ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। खबर रोहतास जिले के संझौली प्रखंड के छुलकर गांव से है, जहां एक गरीब मजदूर देवमणि यादव का 3 दिव्यांग बच्चे हैं, जो न चल पाते हैं न ही अपनी नित्य क्रिया कर पाते हैं, यहां तक कि भोजन भी अपने हाथों से नहीं कर पाते। आफत का पहार इस परिवार पर तब टूटा जब इनका कच्चा मकान इस बरसात में गिर के धराशायी हो गया। ऐसे में इन्हें छुलकर गांव के सरकारी विद्यालय में शरण लेना पड़ा। यह पूरा परिवार फिलहाल अभी सरकारी विद्यालय में ही रह रहा है। दिव्यांगों में बड़ा भाई मंतोष, उसके बाद संतोष और उसके छोटा धनतोष है। चूंकि जन्म से यह तीनों दिव्यांग नहीं थे, लेकिन समय के साथ देवमणि यादव के तीनों बच्चे दिव्यांग हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि इस लाचार परिवार के किसी तरह की सरकारी लाभ नहीं मिल पाया। इस संबंध में जब हमारे रोहतास संवाददाता धर्मेंद्र कुमार सिंह ने मोबाइल पर संजौली वीडियो कुमुद रंजन से जानकारी लिया, तो वीडियो कुमुद रंजन के द्वारा बताया गया कि देवमणि यादव के 3 दिव्यांग पुत्रों को सरकार के द्वारा पेंशन स्वीकृत कर ली गई है, जिनकी राशि भी उन्हें पेंशन के रूप में मिलता है। इनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन भी दिया जाता है तथा इनके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी स्वीकृत कर चुका गया है, जिसकी भुगतान अभी लंबित है। भुगतान से संबंधित सरकार का आदेश आते ही इनकी आवास की राशि के भुगतान पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावे भविष्य में आने वाले योजनाओं का भी लाभ इनको पूर्ण रूप से दिया जाएगा। देखो तीन किलो के तो बीमारी के चलते पहुंचल, इलाज संबंध में तो हम अपने से जहां तक भरपाई करे खातिर कोशिश कोई नहीं, लेकिन सक्सेस ना भइल जा ई लोग के पैर के जो शरीर से लोड बुगत निखे ले पावत पैर ई लोग को न गोल हाथ न गोल। वही बीच में ई लोग के कतनो कुछ भी प्रयास करते हुए फिर भी लोग शरीर के अंदर कोई खैला पीला के बाद में अनाज नीचे शरीर में सेट करत। गरीब आदमी कहाँ कहाँ से कैसे हूँ अपने मर मजदूरी करके किसी तरह से अपना सेफ सेपरेट करते हुए सक्सेस ना भइल त एक बच्चा बीमार भेल नहीं क्या कि करते करते जो दूसरका गिर गेल दूसरका के बाद में फिर हमारा भी उतना अवकाश ना भेट तीसरका हताश होके हम गिर गेली। अब गरीब आदमी हम तक नहीं तो अपना कुठी में हाथ लगाई जो भी हमारा भी उचित बुझाई लोग अनुसार से चलनी फिर के बाद में सरकार ही यहाँ पहुँचनी हम अपना गरीबी के लेके, लेकिन गरीबी लेखला के बाद में ब्लॉक तक पहुँचनी, ब्लॉक के बाद में प्रखंड में वो हमारा खाली मधु उपाध्याय जी ऐसा मिल ली कि थोड़ा हमारा दुख के दर्द के महसूस कैली। एक सिवा कोई न जिए बासे जहीं से बात आए से डांट डूट के अपन हमारा क्लियर कर दिल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवमणि सिंह। घर नहीं थे, घर द्वार नहीं थे, घर गिर गई। कैसे गिर गई? भूमि से बरसात में, बरसात आए तो गिर रहे, अब कैसे गिरा सब ढंग ढंग नहीं रहे गिर। तो वह मधु जी अली तो हमने की स्कूल पर व्यवस्था कर दिली कि आप लोग चल जाए स्कूल पर ना, तब हम लड़का फिर सब जता जी सब तो हमने की वह अली तो जब व्यवस्था कर दिली तो हमने के ये जाके बन जाए तो खाना व्यवस्था एजा नहीं थे तो खाना वजह से ईटा के चूल्हा बना ले रही तरते बुनी भई देवाल फंस गई तो फिर हम ईटे के बना के कोई सहूँ गई घर में दूध काट के खाई लेके लेकिन क्या करें अपना खाना खिलेनी है। क्या नाम? खिला क्या नाम? अनिता अनिता देवी।